गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, अराउंड 7 to 8 days के बाद। पर कुछ चीज़ें हो रहे थे, बहुत कंफ्यूजन था, तो मैं कुछ बना नहीं पाई वीडियो उस सिचुएशन में। फिर मैं घर से भी जल्दी जल्दी मैं वापस आई, मुझे वहाँ रहना था। लगभग नवंबर तक मैं वहाँ रहती, पर कुछ वजह से मुझे यहाँ कुछ काम था, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से आना पड़ा। और उस मतलब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। फिर तुरंत आ गई, इवन मैं अपना लगे पैक भी नहीं कर पाई। तो मेरा सारा जितना भी कपड़ा था, सारा चीज़ें जो लेके गई थी, सब मेरा छोड़ के आई हूँ। बस आई हूँ का चीज़ ली और फटाक से आना पड़ा, क्योंकि काम ही वैसा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। मैं अभी बता नहीं सकती, पर मैं बाद में ज़रूर बताऊँगी। तो बस इसलिए मैं वापस आ गई। और जब मैं एक्चुअली मैं वीडियो अपना स्टार्ट करने वाली थी जन्माष्टमी को, पर जन्माष्टमी को और एक एक्सीडेंट हो गया मेरी दीदी के साथ। तो उसके बाद से मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कुछ बोल ही नहीं पाई मैं अब कैमरे के सामने। तो मैं बोली छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन का ऐसे ही गैप छोड़ दी, वीडियो नहीं बनाई। आज फिर स्टार्ट की, क्योंकि मेरी दीदी का तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक है, वो अभी मतलब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। तो थैंक गॉड कि सब कुछ मतलब कुछ भी इतना ख़राब नहीं हुआ, बस थोड़ा सा होके निकल गया। बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होने के चांसेस थे, पर नहीं हुआ। मेरी दीदी का एक्चुअली वो किचन में खाना बना रही थी और कुकर ब्लास्ट कर गया, तो वो इतना मतलब भयंकर हुआ था कि इवन मतलब वो कुकर जाके शायद मेरी दीदी के सर पे गिरता। पर भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जिससे दीदी का मेरा कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ा सा मतलब उनका आँख में गर्म पानी घुस गया था, तो उसके वजह से आँख में थोड़ा सा लगा हुआ है दोनों आँखों में, और बॉडी में कुछ छींटे पड़े थे, तो जिसकी वजह से वो सारा बैंडेड हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वो रिकवर हो रही है। डॉक्टर बोला कि कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो रिकवर हो जाएंगी। 15 दिन या महीना भर लगेगा रिकवर होने के लिए, पर वो रिकवर हो जाएगी, वो सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर ने ये बात बोल के बहुत मतलब बोलते रहे, दिल को सुकून मिला सुन के। तो बस भगवान से दुआ की जल्दी से जल्दी दीदी ठीक हो जाए। बस मैं अभी आज सोची कि चलो वीडियो बनाते हैं, काफ़ी दिन हुआ मैं वीडियो बनाई नहीं हूँ, तो मैं बोली चलो बनाते हैं। तो आज मैं आ गई हूँ किचन में, अभी बनाने वाली हूँ मैं दाल, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। थोड़ा सा दाल बना लूँगी और आलू का खिचड़ी और हम लोग का रोटी। मैं ऑलरेडी दाल को, ये जो दाल है ना, मैं 3-4 टाइप का दाल मिक्स करके बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह कुछ दाल को ले ली हूँ, भिगो दी थी, रात भर भिगो दी थी। मैं 4 दाल ली हूँ, दाल एक्चुअली मैं चना दाल ली हुई हूँ, और मटकी और मूंग, और ये जो है जो आता नहीं बीन्स, उसका सीड है। और डाली हुई हूँ मैं जो मसूर आता है ना, उसको ली हुई हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, नहीं मसूर, बस यही इसको लिया। और सारा को रात भर भिगो दी थी, अभी मैं इसका दाल बनाऊंगी। तो पहले मैं बॉईल कर लूँगी, उसके बाद हल्का सा मसाला देके उसको बनाऊंगी, ज़्यादा मसाला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मसाला देना है और बनाना है। और बस आलू का खिचड़ी बनेगा और हम लोग का रोटी बनेगा, क्योंकि हम लोग का आज बाहर जाना पड़े कुछ काम की वजह से। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सीधे खाना मसाला बना लूँगी, फिर हम लोग अगर जाना हुआ तो फिर जाऊँगी, अदरवाइज देखेंगे घर में कुछ कुछ काम होगा, और इस तरह से प्लान है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि आयु सोया हुआ है, तो मैं उसके उठने से पहले सारा खाना बना लेना चाहती हूँ। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करती हूँ। इसमें हल्दी दूंगी मैं, और मिर्ची पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक का थोड़ा थोड़ा काट के डाल लूँगी, बस पीस के डाल दूँगी, और बे लीव्स इतना ही डाल के मुझे इसको बॉयल करना है। ½ इंच से अदरक डालूंगी, गार्लिक के बस 3-4 कली लूंगी, उससे उसको इस तरह चॉप कर लूंगी पतला सा। अभी अब कुछ नहीं, इसको बस बॉईल कर लेना। मैं एक सीटी हाई में आएगा और दूसरा सीटी लो में, बस उतना में मैं रख दूंगी इसको।
मैं जन्माष्टमी भी की थी पर मैं उसका कोई वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि उसी सुबह ही मुझे पता चला कि मैं विधि कैसे हुआ है और उसके बाद मैं कुछ बन ही नहीं किया वीडियो बनाने की। पर मैं आयु को गाना बनाई हुई थी क्योंकि मैं उसका ऑलरेडी सारा ड्रेस सब कुछ खरीद चुकी थी, तो मैं सोची क्यों अब बच्चे के लिए, बच्चे का तो मन होता है ना वो, इसलिए मैं सोची कि चलो उसको बना, उसको पहना देते हैं सारा चीज़ें। तो मैं उसका छोटा छोटा क्लिप ली हुई हूँ, तो जब तक मेरा दाल बॉयल हो जाता तब तक आप लोग क्लिप देख लीजिए। ये आयु कान्हा बना है और बांसुरी बजा रहा है। वो इतना खुश था उस दिन, मतलब बांसुरी पकड़ के पूरा दिन भर वो बांसुरी बजा रहा था। कभी कभी बजा पाता था, कभी कभी बजा नहीं पाता था, पर मतलब वो बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश था उस दिन। ये मेरी मम्मी फ़ोन की हुई है तो उससे बात करी, तो वो उनको बजा के दिखा रहा है कि मैं बांसुरी बजा रहा हूँ बोल के। और हमारे घर में इस तरह चीज़ें पड़े हुए रहते हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि आयु अपना खिलौने के साथ नहीं खेलता है, इस तरह सारी चीज़ों के साथ वो खेलता है। मैं ले गई थी तो वापस वो मुझसे खींच के ले गया। और ये पूरा गेटअप है, क्यों इसका जो मुकुट है वो थोड़ा देर ही पहना, ज़्यादा देर पहना नहीं, वो हमेशा खोल खोल दे रहा था, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम पहना ही नहीं, थोड़ा टाइम वो पहन कर था बस, फिर उसके बाद खुद से ही खोल दिया था। सो गाइस, मेरा दाल बॉयल हो गया है तो अभी मैं अंडा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं अंडा दाल में अंडा डालूँगी, तो पहले मैं अंडा को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद सारा उसका तड़के के लिए रेडी करूँगी। तो अंडा को मैं 4 अंडा ले ली हूँ, बस उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा फ्राई करके, मतलब पूरा रेड नहीं करना है, थोड़ा सा वाइटिश रहेगा तभी मैं निकाल लूँगी इसको। बस मेरा अंडा हो गया, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अभी मैं साथ जो भी हमारा तड़के के लिए चाहिए मैं उसको पहले काट लूँगी, जैसे ओनियन, जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक को एक्चुअली क्या है ना, मैं जिंजर गार्लिक को उसको काट के नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा पीस के डालूँगी, जो आता नहीं है पीसने वाला, हाथ से जो पीसते हैं उसी से ही मैं उसको पीस लूँगी। और उसमें थोड़ा सा चिली भी डाल दूँगी, और प्याज को मैं इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटी हुई हूँ, क्योंकि दाल में थोड़ा सा प्याज मुँह में आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐसे काटी हुई हूँ। टमाटर भी मैं सारा चीज़ इसमें रफली काट रही हूँ, जितना फाइनली कुछ भी नहीं काट रही हूँ। तो ये दाल बिल्कुल अलग सा होता है, और अगर फाइनली कट होता तो वो टेस्ट अलग होता है, अगर रफली कट होता तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो सारा मतलब कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दाल का तड़का में, दाल का टेस्ट ही चेंज होता है, जैसे आपका मतलब तड़के का कटिंग होता है, अगर पतला पतला कटिंग होता तो उसका टेस्ट अलग आता है, मोटा मोटा रफली कटिंग होता है तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो बस मेरा ये सारा चीज़ मैं कूट ली हूँ, जिंजर गार्लिक और चिल्ली को मैं कूट ली थी, अभी मैं बटर डाल रही हूँ। मैं ये दाल का तड़का बटर में डाल करूँगी, तो थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ कहीं बटर जल ना जाए, जब बटर गर्म हो जाएगा तो मैं पहले डालूँगी जीरा, उसके बाद थोड़ा सा हींग, ज़्यादा जीरा नहीं डालना है, बस जैसे हम लोग दाल में डालते हैं ना थोड़ा सा जीरा उस तरह ही डालना है, और एक चुटकी हींग, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं हींग हमेशा डालती हूँ दाल में। और ये है जो हम लोग पीस कर रखे हुए थे, तो बस उसको डालना है, और थोड़ा सा फ्राई करके ही प्याज डालना है। प्याज को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, उसको मतलब ज़्यादा कच्चा रखना नहीं है, मुझे अच्छे से फ्राई करना है, फिर उसके बाद मैं सारा मसाला ऐड करूँगी। मैं मसाला ऐड करते टाइम वीडियो बना नहीं पाई, उसमें मैं मसाले में ऐड की हुई हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्ची जो होता है एक तीखा वाला उससे थोड़ा सा डालती, क्योंकि हम लोग बॉईल करते टाइम भी मिर्ची डाले हुए थे तीखा वाला, तो मैं इसमें कम सा डालूंगी, और थोड़ा सा ज़्यादा कलर मिर्ची जो आता है ना कश्मीरी लाल मिर्च उसको डाली हूँ, और डाली हुई हूँ मैं इसमें हल्दी। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, मसाला फ्राई करने के बाद मैं टमाटर डाल दी थी, और टमाटर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको ऐसे इस तरह बिठा दी, तो अभी मैं पानी है इसको, पानी को मैं अच्छे से ख़त्म कर लूँगी, फिर फ्राई जब मसाला से जब ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए तभी मसाला रेडी है। उसके बाद मैं जो हम लोग का दाल ऑलरेडी बॉयल होकर रखा हुआ है उसको मैं ऐड कर लूँगी।
और नमक मैं लास्ट में ऑर्डर ऐड करूँगी अगर ज़रूरत पड़ा तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी नमक डाली हुई हूँ दाल में, कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं अभी नमक डाल नहीं रही हूँ। और ये देखिए मसाले से ऑयल छोड़ने स्टार्ट भी हो गया। अभी मैं इसमें दाल ऐड कर लूँगी क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ऑयल यूज नहीं की थी, जो बटर था और ऑयल था मैं ज़्यादा यूज नहीं, तो ये ज़्यादा निकलेगा नहीं, इस तरह ही थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा। तो मेरा अभी ऐड कर ली हूँ और ये तेज़पत्ता को मैं निकाल लूँगी क्योंकि अभी तो बॉयल हो गया, तेज़पत्ता का कोई ज़रूरत नहीं है। तो तेज़पत्ता को मैं निकाल ली हूँ, अब अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी और जो हम लोग का एग को फ्राई करके रखे हैं उसको भी ऐड करेंगे, पर पहले इसको थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि दाल को अच्छे से थोड़ा सा मैश नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है। तो इसको पहले भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ये मेरा छोटा सा जगह में था दाल, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ, ना तो बॉयल करते टाइम भी इसको, मतलब बॉयल करने के बाद भी इसको कर सकते हैं। तो मेरा दाल अच्छे से हो गया है, अभी मैं इसमें अंडा ऐड कर लूँगी और बस थोड़ा सा एक बॉयल दे के छोड़ दूँगी। और ये दाल रेडी हो गया है। उधर खींच दे। थैंक यू। आदि 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 आयु आयु। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर पौधा लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड एक्चुअली आज बाहर गए थे तो वो एक पौधा ले आए थे, ये एक फ्लावर आता है, वाइट वाइट होता है फ्लावर, तो उसी का ही पौधा है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब अगर पॉट में लगाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अगर ज़मीन में लगाए तो बहुत बड़ा होता है। तो ये पॉट में लगा के तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। और इधर आयु खेल रहा है। मैं पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि ये यहाँ पे जितने भी पॉट है हम लोग उसको कलर करने वाले थे, पर टाइम हुआ नहीं, वो कुछ काम में हम लोग बिज़ी हो गए तो हम लोग इस सारे पॉट पे कलर कर नहीं पाए। तो मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट तो वो एक पौधा ले आए, तो हम लोग बोले हम सोचे कि चलो लगा लेते हैं, कोई बात नहीं बाद में कलर कर लेंगे, तो ये इसलिए आज आ गए हम लोग पौधा लगाने के लिए। और अच्छा लगता है क्योंकि मतलब अगर पौधे में फूल हो रहा है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब पूजा करते तो हर रोज़ मुझे फूल मिलता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिना फूल का पूजा करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो अगर इसमें होगा तो फूल बड़ा अच्छा लगेगा, घर पूजा कर लेंगे। आयु दे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आयु देखो पेड़ लग रहा है, देखो छी वो गंदा है, इसको रख दो, गंदा है। पापा कहाँ है? देखो फ्रेंड्स, देखो उधर खेल रहे हैं। नहीं नहीं मुंह में हाथ मत दो। पापा कहाँ है?
आएंगे आएंगे पापा, आएंगे पापा, आएंगे आएंगे पापा, आए इधर जाओ, इधर जाओ, आयु पापा रुक जाओ रुक जाओ, वहां मत जाओ, उधर उधर मत जाओ। हाँ पापा आएंगे आएंगे, यहीं पर रहो।